उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के मिसा बलिदान में श्रीमती मनीषा कुजूर अंबिकापुर से अपने पति अविनाश कुजूर की स्वस्थ लाभ, जिनके लिए हम बीते दिनों COVID-19 पॉजिटिव थे उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, वह भला चंगा हो गए हैं। ईश्वर को तथा माता मरियम को धन्यवाद की मिसा चढ़ाती हैं। साथ ही साथ अपने मतलब के लिए वह पुनः हमसे प्रार्थना की याचना करती हैं। अमित क्रिकेटा, सुमन टुप्पो, सिस्टर दर्शना भोपाल से, सिस्टर शिवा उर्सुलायन और लखनपुर के सिस्टर गन, केरल से फोंगसन आंटनी एवं थॉमस आंटनी, ये सब के सब COVID-19 से पॉजिटिव हैं। माता मरियम की मध्यस्थता से आज हम विशेष प्रार्थना करते हैं, यह मिसा बलिदान चढ़ाते हैं कि ईश्वर उन्हें जल्दी से जल्दी चंगाई प्रदान करे। जय प्रकाश कुजूर कैंसर से पीड़ित हैं, उनके स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हमारे बसवार क्षेत्र में आज हाथी का आगमन का भी सूचना मिला है। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें, माता मरियम हमें सुरक्षा प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। आयुब ने आज के पहले पाठ में यह वचन हम सबों को कहते हैं और इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि किस घटना से आयुब अपने जिंदगी में मतलब कि गुजरता है और इसके बावजूद इस वचन को वह कहता है। हम पाठ में सुनेंगे कि कैसा शैतान उनके परीक्षा लेते वक्त सब कुछ उनसे छीन लेता है, उनके भेड़ बकरियां, संपत्ति, यहां तक कि उनके बच्चों को छीन लेता है, सब के सब मर जाते हैं और आखिर में आयुब ये वचन कह के प्रभु को धन्यवाद अदा करता है, प्रभु का धन्य कहता है। हमारे साथ जब छोटी सी घटना, छोटी सी विफलता और परेशानियां आती है, हम हजार बार प्रभु को कोसते हैं और लोगों को गाली देते हैं, तो चलिए हम कुछ क्षण मौन रह के हमारे उन क्षणों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें जब हम प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाए, एक दूसरों के प्रति क्रोध दिखाए, दूसरों के विरुद्ध गलत बात बोले। चलिए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें
और आयुब की तरह हर परिस्थिति में प्रभु को धन्य कह सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सबदूतों, सर्व संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पिता, तेरी करुणा असीम है। तू हमें निरंतर पाप क्षमा प्रदान कर अपने सामर्थ्य की शोभा प्रकट करता है। हम तुझसे विनय करते हैं कि तेरा प्रेम हमारे हृदय में विराजे और हम सभी मनुष्यों को तेरी क्षमा तथा राज्य के सहभागी बनाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवन समूह को स्पर्श करके शुद्ध करे ताकि प्रभु के वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र पौत्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, योग का ग्रंथ, अध्याय एक, पद संख्या 6-22। मूल वाक्य, प्रभु ने दिया था और प्रभु ने ले लिया है, धन्य है प्रभु का नाम। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक योग पर ध्यान दिया? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं। वह निर्दोष और निष्कपट है। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने प्रभु से कहा, क्या योग यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? क्या आपने उसके 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 परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगा कर उसे सुरक्षित नहीं रखा? वह जो कुछ करता है आपने उसे आशीर्वाद दिया। उसके झुंड देश भर में फैले हुए हैं। आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति छीन लें तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, किंतु योग पर हाथ मत लगाओ। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। योग के पुत्र पुत्रियां किसी दिन अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक संदेश वाहक ने आकर योग से कहा, बैल हल में जोते हुए थे और गंधियां उनके आसपास चर रही थी। उसी समय सबाई लोग उन पर टूट पड़े और आपके सेवकों को लगा तलवार के घाट उतार कर सब पशुओं को ले गए। मैं ही बचा रहा गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि कोई दूसरा आकर कहने लगा, ईश्वर की आग आकाश से गिर गई। उसने भेड़ों और चरवाहों को जला कर भस्म कर दिया। मैं ही बचा रह गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और अंदर आया और कहने लगा, खलदई लोग 3 दल बनाकर ऊँटों पर टूट पड़े और आपके नौकरों को तलवार के घाट उतार कर पशुओं को ले गए। मैं ही बचा रह गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा,
आपके पुत्र पुत्रियां अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक भीषण आंधी मरुभूमि की ओर से आई और घर के चारों कोनों से इतने जोर से टकराई कि घर आपके पुत्र पुत्रियां पर गिर गया और वे मर गए। मैं ही बचा रह गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। योग ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले। उसने सिर मुड़ाया और मुंह के बल भूमि पर गिरकर यह कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने वापस ले लिया। धन्य है प्रभु का नाम। इन सब विपत्तियों के होते हुए भी योग ने कोई पाप नहीं किया और उसने व्यर्थ ही ईश्वर की निंदा नहीं की। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अल्लेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि तुम सबों में जो छोटा है वही बड़ा है। योहन ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अपदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता। यीशु ने कहा, उसे मत रोको, जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वह तुम्हारे साथ है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। एक बार कुछ विद्यार्थियों को मैं पूछ रहा था कि आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो एक बच्ची को मैं पूछा कि आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं, तो वह तुरंत बोली, मैं बड़ी होकर मम्मी बनना चाहती हूँ। तो लोग वैसे ही खिलखिला के हंसना शुरू किए। दूसरा को पूछा, आप बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, वो बोलता है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तीसरा बोलता है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। चौथा बोलता है, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। और एक लास्ट एक बालक था, उसको बोला, बेटा आप बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो वह बोलता है, सर मैं बड़ा होकर बड़ा बनना चाहता हूं। तो सब हैं बोल के ऊपर नीचे देखना शुरू किए, क्योंकि ये सबसे अलग जवाब दिया, कोई वैसा सोचा ही नहीं था कि मैं बड़ा होकर बड़ा बनना चाहता हूं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, प्यारे बच्चों, वास्तव में हम सबों का एक लालसा होती है हमारे दिल के अंदर कि हम बड़ा बने, हम हमेशा बड़ा बने। चाहे हम डॉक्टर ही क्यों ना हो, डॉक्टरों के बीच में भी हम बड़ा बनना चाहते हैं। टीचर भी क्यों ना हो, टीचरों के बीच भी हम बड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन हम सबों को एक प्रश्न इसी समय पूछना है, जब हमको ये लालसा आती है, बड़ा हम क्यों बने, बड़ा हम क्यों बने। तो उसी के कद मैं वही मनन चिंतन करते हुए एक यहां से पद्यांश, एक मुझको प्रभु ने मुझे एक इंस्पिरेशन के रूप में मुझे दिया, वो एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वचन
11 में पढ़ते हैं, हमें बड़ा क्यों बनना है? तो सुनिए, उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया, ताकि मसीह के शरीर का निर्माण होता रहे। हमारे बुलाहट के पीछे उसका एक ही वजह है, ये सब जो अलग अलग कार्य जो हम हमारे जिंदगी में ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसका वजह केवल एक है, ताकि मसीह के शरीर का निर्माण का कार्य जारी रहे। अभी मसीह का शरीर का अर्थ क्या है? मसीह का शरीर हमेशा कलीसिया को इंगित करता है, क्योंकि हमारा शरीर क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा का मंदिर है बोलते हैं, मतलब कि हमारा शरीर मसीह का शरीर हुआ। तो इस वचन के द्वारा क्या कहते हैं प्रभु? प्रभु यही कहना चाहते हैं कि हमारे बुलाहट की केवल एक वजह है, वो है सेवा की भावना, जिसे हम आज जय घोष में पढ़ें, यीशु मसीह सेवा करने आए और बहुतों का उद्धार करने आए हैं, और वही बुलाहट हम सबों को होती है। इसलिए आज मसीह आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन शिष्यों के बीच एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ जाता है, और वो विवाद का मुद्दा क्या रहता है कि शिष्य लोग अपने बीच में मतलब कि निर्णय कर रहे थे, बात कर रहे थे कि हम में सबसे बड़ा कौन है, हम में सबसे बड़ा कौन है। और यीशु उनको बिना पूछे क्या करते हैं, एक बालक को बुला लेते हैं और उनके सामने रखकर क्या बोलते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है उसका मनोभाव इस बालक की तरह हो। इसका अर्थ क्या है कि अगर आप मेरा अनुयायी बनना चाहते हैं तो आप बड़ी बड़ी लालसा लेकर, बड़ा बड़ा पद ग्रहण करूंगा इस भावना लेकर आने की जरूरत नहीं है, केवल एक चीज की जरूरत है, वो क्या है, सेवा की भावना। सेवा की भावना ये हम सबों के लिए है, हम सभी ख्रिस्तियों के लिए ही है। हम कभी कभी अपने जिंदगी में इतना बड़ा बड़ा लालसा लेके आते हैं जिसकी हमें कभी जरूरत भी शायद नहीं हो सकती है। हम बहुत बड़ा गाड़ी खरीदना चाहते हैं जिसकी शायद हमको जरूरत नहीं है। हम इतना बड़ा घर बनाना चाहते हैं और शायद उस घर में केवल दो जन रहेंगे, इसलिए शायद हमको पूछना चाहिए कि क्या मुझे इतना बड़ा घर की जरूरत है, क्या मुझे इतना बड़ा लग्जूरियस कार की जरूरत है। शायद अगर हमको इसका उत्तर मिलने से हमको निर्णय करने के लिए जरूरत पड़ेगा, शायद मदद होगा कि हमको उसकी जरूरत है क्या नहीं। इसलिए आज प्रभु हम सबको यही प्रश्न करने के लिए बुलाते हैं कि जब भी आपके मन में बहुत बड़ा लालसा उत्पन्न होती है बड़े और महान होने की, तो आप पूछिए क्यों। एक बार एक माता अपने सुपुत्र के साथ बाजार गई। बाजार में जाते वक्त उन्होंने एक भिखारी को देखा और उसने बोला, बेटी आप जिंदगी में बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करो, बहुत पढ़ो। वहां भिखारी बैठा हुआ तो उसको देखकर दिखाकर बोल रही है, हे बेटी तुम जिंदगी में बहुत पढ़ाई करो ताकि आप इन जैसे भिखारियों की मदद कर सको, ताकि इनका जीवन बेहतर कर सको। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, भगवान हम सबों को बड़ा बड़ा जिम्मेदारियां विश्वास के साथ इसलिए देता है ताकि हम जो जिनका जिंदगी बुरा है हम उनका जिंदगी बेहतर बना सकें, हम उनकी मदद कर सकें। और जब हम संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह एक बहुत सुंदर दृश्य दिखाते हैं कि स्वर्ग राज्य की तुलना मैं किससे करूं, और वे बोलते हैं स्वर्ग राज्य की तुलना राई के दाने की तरह है। राई के दाने जो
इस पृथ्वी पर सबसे छोटा बीज है, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है, उसका पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और इस दुनिया की हर एक तरह की पक्षियां आकर उसमें निवास करती है। शायद प्रभु हमको भी ईश्वर की राज्य स्थापना करने के लिए जो जिम्मेदारियां दिया है, चाहे आप टीचर हो सकते हैं, चाहे आप सिस्टर हो सकते हैं, चाहे आप फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर क्लर्क हो सकते हैं, जो भी, ये सब अलग अलग हमारी जिम्मेदारियां हैं, ताकि हम इस जिम्मेदारियों के द्वारा जो इसके काबिल नहीं है, समाज में जो पीछे हैं, हम उनकी मदद कर सकें और ईश्वर के राज्य में सबको एक भावी अंग बना सकें। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे दयामय ईश्वर, हमारी यह भेंट स्वीकार कर इसके द्वारा हमारे लिए समस्त कल्याण का द्वार खोल दे और आज हम विशेष करके इस मस्सा बलिदान में चढ़ाए हुए सभी मतलबों को पुनः आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। जैसे आप इस रोटी और दाखरस को आपके पुत्र यीशु मसीह का शरीर तथा रक्त में परिवर्तित करने वाला है, हमारे मतलब को भी पूरा करने में मदद कर। ये सब मांगते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम प्रभु अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने विश्व के सभी तत्वों का सृजन किया और ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सब रहस्य उनके अधीन कर दिए कि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे तथा तेरे महान कार्य देखकर प्रभु येसु ख्रिस्त के द्वारा दिन रात तेरा प्रशंसा गान करता रहे। आकाश और पृथ्वी, दूत और महादूत इन्हीं की प्रशंसा करते हुए दिन रात एक स्वर से कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, 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 पवित्र। प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य हो जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को येसु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और इसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो।
मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस मिंच, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वराज मंचनपल्ली और सभी यासकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलिस्य के शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं। और आज हम विशेष करके हमारे मिलिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार से गुजरे सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोविड-19 से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्या कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध और संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र येसु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु येसु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में है हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता येसु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती। हे प्रभु येसु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलिस्य के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस पौत्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सत्य हूँ, क्या मेरे आवे किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करती रही।
हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारी विनय है, यह पावन युखरिस्त हमारे शरीर और आत्मा को नवीन करे, यह हम सबको प्रभु ख्रिस्त की महिमा के भागी बनाए, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते और जिनके साथ दुख सहते हैं। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसर की माता अच्छे स्वस्थ की रानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर दया शांति निवास करें। क्रूस का चिन्ह